है, पता है? हाँ पता है मुझे। हाँ कहाँ से? तारिक अंकल लाए हैं। अच्छा, उन्होंने कहाँ से लिया? जाहिर सी बात है, तारिक अंकल लाए हैं तो अपनी दुकान से ही लाए होंगे। क्या कर रहे हो तुम, नीचे क्यों फेंका? और कहाँ फेंको? मगर इसे बास्केट में फेंकना चाहिए था। बास्केट दूर है मुझसे, नहीं जाया जाता। मैं पकड़ लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम अकेली नहीं पकड़ सकती। अकेली ही पकड़ लूंगी। तो पकड़ो फिर। ये तुम क्या कर रहे हो, छिलके नीचे क्यों फेंक रहे हो? डस्टबिन दूर है इसलिए। मगर नीचे नहीं फेंकना चाहिए। हाँ एवनी, ऐसे क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होता, स्वीपर अंकल खुद ही उठा लेंगे। मैं जान और मेरी प्यारी अम्मी, बाबा दादी अम्मी प्यारी मरियम, और एक अकलमंद। हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? पीनट खा रहे हैं। छिलके नीचे क्यों फेंक रहे हो? जाओ डस्टबिन में जाके फेंको। स्वीपर अंकल खुद ही सफाई कर लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, एवनी ने कहा है। स्वीपर अंकल डस्टबिन में से भी तो उठाते हैं ना। हाँ तो यहाँ से भी सफाई करते हैं ना। हाँ ये तो है। तुम भी पीनट खाओगे क्या? हाँ जरूर, ये लो। तुम भी नीचे फेंको, ऐसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है। शुरू कर दिया। अम्मी बाबा जानी बाहर देखे जरा। पार्क में तो बहुत ज्यादा गंद है। बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है। हाँ ठीक कहा, कमाल भाई से बात करते हैं। स्वीपर बीमार है, इसी वजह से इतना गंद पड़ा हुआ है। आज ही का दिन है बस, कल तक सारी सफाई कर देगा वो। हाँ लेकिन मसला तो हो गया है। वैसे कमाल भाई ऐसा कैसे हो गया, बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है। मैं भी आज सुबह ही आया हूँ, ये सब देखकर बहुत हैरानगी हुई। समझ गया, तो फिर एक काम करते हैं,
खुद ही थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं ताकि गंद कुछ तो कम हो जाए। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, क्या कहते हैं, मिलकर सफाई करते हैं। वाकई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहले थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में खेलेंगे। नहीं, अभी खेलेंगे, बाद में रेस्ट करेंगे। यहाँ पर तो बहुत गंद है। कितनी स्मेल आ रही है। बहुत ज्यादा बू आ रही है। स्वीपर अंकल ने सफाई नहीं की अभी तक। सफाई नहीं की उन्होंने? हाँ, अभी तक सफाई क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता, मुझे तो मैते ने कहा था। तुम लोग कैसे हो दोस्तों? हाँ, ये यहाँ का क्या हाल हो गया है? स्वीपर अंकल ने साफ नहीं किया, अब खुद ही करो। लेकिन खुद ही कैसे करें? उफ़, स्वीपर अंकल ने सफाई नहीं की, अब क्या होगा? लेकिन अब तो बहुत ज्यादा गंद इकट्ठा हो गया है। मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि नीचे कुछ भी नहीं फेंकते, अगर तुम फेंकोगी तो बाकी बच्चे भी फेंकेंगे और इसी तरह नीचे सब कचरा फेंकना शुरू कर देंगे। एवनी ने नीचे फेंका तो हमने भी नीचे फेंक दिया। ये क्यों कहते हो तुम लोग, पहले मैते ने शुरू किया था। मैं तो खुद नहीं चाहती थी नीचे गंद फेंकूं। अच्छा, तो फिर कचरा फेंका क्यों? मैं तो नहीं फेंक रही थी, लेकिन एवरीन ने कहा स्वीपर अंकल खुद ही उठा लेंगे, इसी वजह से मैंने भी कचरा नीचे फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन मम्मी ठीक ही कहती थी, पहले बड़े बड़े पैकेट्स उठा लेते हैं, फिर छोटे पैकेट्स उठा लेंगे। ठीक है तारक भाई। वो देखो, वो सफाई कर रहे हैं। चलो हम भी उनकी मदद करते हैं। हाँ चलो। बोलो बेटा। कल मैंने भी कूड़ा बाहर ही फेंका था। सच में तुमने ऐसा किया? तुमने भी कूड़ा बाहर फेंका? जी हाँ अम्मी, मुझे कल एलिफ ने कहा था, उसने कहा कि स्वीपर अंकल खुद ही उठा लेंगे और कहा कि इससे कुछ भी नहीं होता। टोना ने भी यही कहा। मैं समझ गई हूँ, उन्होंने सोचा कि स्वीपर अंकल खुद ही सफाई कर लेंगे और सब फेंक दिया। स्वीपर अंकल आए नहीं और ये हाल हो गया, बहुत गलत बात है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है, उनको इस बात का नहीं पता था। गलती मान लेना बहुत अच्छी बात होती है, आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे और इस बात का ख्याल रखोगे, है ना? जी हाँ बिल्कुल, दोबारा से नहीं करूँगा, कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकूँगा। शाबाश मेरे प्यारे बेटे। सब कुछ पहले की तरह हो गया है ना जान? हाँ जी। स्वीपर सब कुछ उठा के ले जाएगा, ये सोचकर तुम लोगों ने गंद फेंका, है ना? जी हाँ, पर स्वीपर अंकल की ना आने की वजह से ये हाल हुआ। एक बात बताऊँ तुमको? जी हाँ। स्वीपर अंकल आए थे लेकिन इतना सारा कचरा देखकर चले गए। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, हमें खुद भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि स्वीपर अंकल पर काम का ज्यादा बोझ न पड़े और वो अपना काम आसानी से कर लें। आज के बाद सभी डस्टबिन के अंदर ही कूड़ा डालेंगे। वेरी गुड, लो तुम्हारी अम्मी भी आ गईं। ले जी, मजेदार जूस तैयार है। शुक्रिया यास्मीन। इंजॉय करें। और सुनाएं, कैसे हैं कमाल भाई? ठीक हूँ शुक्रिया। कैसे हैं आप स्वीपर अंकल? हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बच्चों।
उस दिन मुझे पता चला कि कचरा नीचे नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद मेरे सभी दोस्त और मैं भी कूड़ा डस्टबिन में फेंकते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा। अभी मेरी बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।